मित्रों, किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी सारी अच्छाई भूल जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आर नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम आर नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप आर नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आर नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे, और उसके बाद आर नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आर नाम वाले कैसे होते हैं। आर नाम वाले लोग बहुत ही आकर्षक होते हैं, विनम्र स्वभाव के होते हैं, झगड़ों से दूर रहते हैं और हमेशा बातचीत द्वारा विवाद दूर करने का प्रयास करते हैं। जवान के कड़वे नहीं होते हैं, यानी मीठा बोलते हैं। बहुत ही न्याय की बात करते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। इन्हें अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इन्हें सुखी और मेलजोल वाला जीवन पसंद होता है, लेकिन इनको अपने परिवार के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनको अपने परिवार के साथ ही सुख महसूस होता है। झूठी शान दिखाना ज़्यादा पसंद नहीं होता। इनका झुकाव जीवन में कभी न कभी अध्यात्म की ओर अवश्य होता है। शांति पसंद लोग होते हैं, शांत स्वभाव, नया सीखने की चाह इनमें होती है। किसी भी व्यक्ति से इन्हें कुछ भी नया सीखने या जानने को अगर मिलेगा, उससे ये अपने संबंध कभी खराब नहीं करेंगे, उससे अपने अच्छे संबंध हमेशा रखेंगे और उससे जानने की कोशिश करते रहेंगे और नया सीखने की कोशिश करते रहेंगे। अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करते हैं। इनको अपने घर परिवार और संपत्ति से बहुत प्यार होता है। बुरे व्यवहार से इनको सख्त नफरत है। हमेशा संतुलित, सुखद और सुंदर और काफ़ी आसानी से कार्य करते हैं। इनके लिए भावनात्मक रिश्तों में समानता होती है और दोनों तरफ से भावनाओं का प्रदर्शन ये चाहते हैं, यानी जैसा भावनात्मक प्रदर्शन ये अपने साथी के लिए करते हैं, वैसा ही प्रदर्शन ये अपने साथी से भी चाहते हैं। प्रेम में जल्दी पड़ जाते हैं और अक्सर रोमांटिक स्वभाव वाले होते हैं और अपने जीवन साथी को अत्यधिक प्रेम करने वाले होते हैं। इनके जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये लोग प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, जैसा मैंने पहले बोला है, पर इन्हें प्यार में सफलता ज़्यादा नहीं मिल पाती है और ये लोग अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करते हैं, या कहें तो अपने वैवाहिक जीवन के प्रति समर्पित होते हैं, विवाह के प्रति समर्पित होते हैं, यानी अपने जीवन साथी को ही सब कुछ मानने वाले होते हैं। ज़्यादातर आर नाम वाले लोग इसी तरह के होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं आर नाम वाले। चलिए मित्रों, अब आर नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की चर्चा करेंगे। तो प्रेम संबंधों के मामले में अगर हम देखें तो आर नाम वाले लोगों को वर्ष 2024 में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अप्रैल तक का समय जो है आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में ज़्यादा मधुरता रहेगी, संबंध भी ज़्यादा मधुर रहेंगे और एक दूसरे के साथ संबंधों में विश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन प्रेम संबंधों में वर्ष 2024 में आर नाम वाले लोगों को ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं रहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आपके प्रेमी प्रेमिका को आपकी बातों का पता अवश्य ही चल सकता है वर्ष 2024 में, और वहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखकर चलें, अपने साथी पर भरोसा रखें और कोई भी शंकाएं होती हैं वर्ष 2024 में तो एक दूसरे के साथ बातचीत करें। किसी भी प्रतिक्रिया को देने से पहले एक दूसरे की बातों को सुनें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे वर्ष 2024 में प्रेम संबंधों में। और प्रेम संबंधों में इस बात का भी ध्यान रखकर चलना बहुत आवश्यक है, छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं करनी है। अगर आप बहस करेंगे तो आप देखेंगे वो बहस आपकी बड़ी हो जाएगी, तो बहस को बड़ा बिल्कुल नहीं करना है और फिर वाद विवाद हो जाएंगे।
हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे और प्रेम संबंधों में मधुरता भी देखने को मिलेगी। जिनके नए प्रेम संबंध होंगे उनको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे वर्ष 2024 में, और अगर आपके पहले से प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर थोड़े से अप एंड डाउन अवश्य ही देखने को मिलेंगे। आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को आगे ले जाना चाहते हैं यानी कि विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहां पर 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। आपका साथी भी राजी हो सकता है, आपके परिवार वाले राजी हो सकते हैं और आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है या फिर शादी हो सकती है। आप देखेंगे वर्ष 2024 में जिनके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, कुछ आर नाम वाले ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादियाँ भी होंगी और जिनकी शादी की बात भी पक्की होगी। तो प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए वर्ष 2024 बेहतर है। वहाँ पर 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है और उसके बाद का जो समय है वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी और उसके बाद भी आपको पूरी तरह से बहुत बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे, वहाँ पर सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन 30 अप्रैल तक के समय में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रेम संबंधों में जैसा मैंने पहले बोला है कि अगर कोई वाद विवाद भी चल रहे हैं तो अपने साथी को स्पष्टता से समझाना होगा और आपको ईमानदार रहना होगा। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो आपके प्रेम संबंध लंबे समय तक बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। प्रेम संबंधों में वाद विवाद भी होगा और प्रेम संबंध आपके खराब हो जाएंगे। जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, यानी कोई मित्रता उनकी चल रही है और उसको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, या फिर किसी मित्र से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं यानी प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, अपने साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं और प्रेम संबंधों में आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई प्रेमी प्रेमिका आए, तो सिंगल लोगों के लिए अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आसानी से आपके जीवन में कोई न कोई प्रेमी प्रेमिका आ सकता है और आपको साथी की तलाश पूरी हो सकती है। तो अगर आपकी किसी से कोई बातचीत चल रही है और आप मित्रता बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका आए, तो अप्रैल तक के समय में दिया गया प्रस्ताव आसानी से स्वीकार किया जा सकता है, वहाँ पर साथी की तलाश पूरी हो सकती है। उसके बाद का समय आपको सामान्य परिणाम दिखाएगा। तो वर्ष 2024 में जो लोग सिंगल हैं उनको साथी की तलाश पूरी हो सकती है, यानी आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका आ सकता है। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है, अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है, जी लेटर से शुरू होता है या फिर के लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे वर्ष 2024 में। तो प्रेम संबंधों में आर नाम वाले लोगों को कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी वर्ष 2024 में अप्रैल तक का समय आपको ज्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। हालांकि पूरे वर्ष आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, वैवाहिक संबंध आपके मजबूत रहेंगे और वैवाहिक संबंधों में रोमांस भी देखने को मिलेगा। और जीवन साथी के साथ संबंधों में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद चल रहा है तो वर्ष 2024 में उस मतभेद को भी आप समाप्त कर सकते हैं और उसके लिए 30 अप्रैल तक का समय काफी बेहतर है, जब आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा वर्ष 2024 में, और अगर पहले से आपके जीवन साथी को कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहां पर विशेष ध्यान रखना होगा। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वर्ष 2024 में आपको ध्यान रखना है कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी आप अपने जीवन साथी के सामने बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें, क्योंकि मई से लेकर दिसंबर तक का जो समय रहेगा वहां पर आप देखेंगे कि आपका जीवन साथी अपने घर वालों की बातें ज्यादा करेगा, यानी उसका झुकाव अपने घर की तरफ ज्यादा होगा। तो उस समय पर अगर आपने उसके घर वालों के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी की तो आपके जीवन साथी के साथ भी संबंध खराब होंगे और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध खराब होंगे। तो यहां पर ध्यान रखकर चलें कि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखें और अपने जीवन साथी के सामने किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में ना करें। अविवाहित लोगों के लिए वर्ष 2024 में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा जीवन साथी आए, मनपसंद ऐसा रिश्ता आए जहाँ पर उनको जीवन साथी की तलाश पूरी हो, तो वर्ष 2024 में आप देखेंगे आर नाम वाले लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा रिश्ता अवश्य आएगा जहाँ पर आपको जीवन साथी की तलाश पूरी होगी। जो लोग शादी के योग्य हैं या शादी करना चाहते हैं उनको जीवन साथी मिल सकता है और आपकी शादी हो सकती है या फिर शादी की बात पक्की हो सकती है। वहां पर भी अप्रैल तक का समय ज्यादा बेहतर है, वहां पर आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। वहां पर आपके आर नाम वाले लोगों के जीवन में
साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहां से वर्ष 2024 में आपको ज्यादा लाभ भी देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में वर्ष 2024 में आर नाम वाले लोगों को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो शुक्रवार वाले दिन आप श्री दुर्गा माता की पूजा उपासना करें, उनको सफेद कलर की मिठाई का भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें और लोगों में बांटें। आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शनिवार के दिन आप किसी गाय की सेवा कर सकते हैं, काले कलर की गाय है बहुत अच्छा है, वरना किसी भी कलर की कोई भी गाय है उसको प्रत्येक शनिवार को आप कुछ न कुछ खाने को दें, आप देखेंगे आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। दोनों उपाय आप पूरे वर्ष करते रहें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे आर नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये आर नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।